हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुक विथ प्रीति में। आज मैं आप सबके साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की ओर और देख लेते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ml दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है और मैंने अलग से कटोरी में 50 ml दूध निकाल लिया है। ये बॉईल किया हुआ दूध नहीं है, ठंडा दूध है ये। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी गाँठे नहीं रहनी चाहिए इसमें, इसलिए हमने ठंडा दूध लिया है। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप इसे अच्छे से चला लें क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर होता है वो तले में बैठ जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से चला के मिक्स कर लें। और जब भी पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसे साइड में रख लेंगे और जो हमने दूध बॉयल होने के लिए रखा था उसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दूँगी और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने घोल बनाया था दूध और कस्टर्ड पाउडर का। इसे डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर हमें इसे स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए कुक करना है। हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है, इसलिए हम इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे थोड़ी देर। तो मैंने इसे करीबन 5 मिनट के लिए बॉईल किया है। ये देखिए अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब मैं इसे पूरी तरह से ठंडा होने दूंगी। ठंडा होकर ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें है ये एप्पल, ड्रैगन फ्रूट, थोड़े से केले और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से अनार के दाने। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं इसमें। तब ये कस्टर्ड जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो मैं इसमें सारे फ्रूट्स डाल दूंगी। ये देखिए मैं एक एक करके सारे फ्रूट्स इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये ठंडा अच्छा लगता है, तो हम इसे ठंडा होने के बाद सर्व कर लेंगे। तो इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, चाहे तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है और हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।